परसोता को लेकर के कुछ मामला आया था कि डिलीवरी में कुछ मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया था, क्या घटनाक्रम था सर ये, और क्या हुआ इस पर, आपने क्या एक्शन लिया था सर? सर कि वो प्रसूता 17 तारीख को यहाँ एडमिट हुई थी और 17 तारीख की शाम को ही उसकी डिलीवरी हो गई थी। 18 तारीख को मेरे पास में दोपहर में उसकी माताजी और 2-3 लोग एक कंप्लेंट लेके आए थे, तो उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना हुई है। तो मैंने कहा भाई अगर ये घटना हुई है तो निश्चित रूप से ये बहुत ही गलत है, और उसके लिए मैंने गायनी की जो विभागाध्यक्ष है उनको उसी टाइम बुलवा लिया था, और अगले 15 मिनट में मैंने उनको वो एप्लीकेशन उनके नाम मार्क करके जांच के लिए दे दी थी, और उन्होंने कहा था कि मैं आपको जांच करके रिपोर्ट पेश कर दूँगी। अगले दिन सुबह इसका समाचार पत्रों में भी ये समाचार आया था, उसके बाद में तहसीलदार साहब ने यहाँ आके इंक्वायरी की थी, और मैंने अपने मैटर्न जो हैं नर्सिंग अधीक्षक हैं उनको ये कहा था कि आपको जो संबंधित वहाँ पे स्टाफ थे उन स्टाफ को लेबर रूम से आप आज ही हटा दें, जब तक इंक्वायरी रिपोर्ट आ जाएगी उससे पहले ही एक बार तो आप उनको यहाँ से चेंज करें। तो उन्होंने स्टाफ को उसी दिन चेंज कर दिया था। उसके बाद में हमने हमारे 4 जनों की कमेटी बना के और उससे जांच करवा के हमने वो जांच रिपोर्ट एडीएम साहब को उस दिन ही 19 तारीख को हमने सौंप दी थी। जांच में क्या पाया गया था, क्या हुआ था ये? अब ये चूंकि ऐसा डिस्क्लोज करना, क्योंकि जांच रिपोर्ट में हमने सबके जो स्टाफ थे उनके बयान भी लिए थे और उनके परिवारजनों के, उनके जो लड़की थी उसके माँ बाप के भी बयान लिए थे, और चूंकि उस प्रसूता की छुट्टी हो गई थी हॉस्पिटल से तो उसके बयान के लिए हमने उनके घर पे डॉक्टर को भेजा था, वो घर जाके उनके बयान लेके आए। सर शिकायत क्या दर्ज करवाई थी उन्होंने? और बाकी कि मुझे मेरे से पैसे भी मांगे, और उसके परिजनों ने कहा कि उसकी माताजी ने कहा कि भाई हम लोगों से कुछ गंदे कपड़े भी हमसे हटवाए। बयानों में ऐसी ये सारी चीज़ें इस तरह से नहीं आई है, लेकिन वो सारी चीज़ें मैं इस तरह से तो आपको नहीं बता पाऊँगा, लेकिन सबके बयान लेने के बाद हमने एडीएम साहब को रिपोर्ट सौंप दी है और आगे फिर जो भी कार्रवाई होगी।